Well, the crowds are back, especially at hill stations. Sources say that at the Council of Ministers meeting, Prime Minister Modi expressed concern over such instances. He said that pictures of crowded places are not a pleasant sight. A single mistake would have far-reaching impact. Threat of COVID-19 is far from over, he said, and there should be no space for carelessness or complacency. Pitched battle between policemen and travellers in Shimla. Tourism has come to this in Himachal Pradesh. No social distancing, a common sight at most tourist spots in the hills now. Yet, most of them say they are following COVID protocols. दुखद है क्योंकि पुलिस के जवान जिन conditions में काम करते हैं और खासकर COVID चला है और अगर कोई ऐसे misbehave करे और गाड़ी का lock देने के बाद भी ना रुके और उसके बाद फिर बदतमीजी करे तो दुखद है. But पुलिस का response, even आप stress में हैं तो पुलिस का रिस्पांस उतना ही इक्वली शांतिपूर्वक होना चाहिए और उनको समझाना चाहिए था. बिल्कुल, इन कंपैरिजन टू इवन दिल्ली और नोएडा जो है, यहाँ पे प्रोटोकॉल ज़्यादा ऑब्जर्व लोग बाग कर रहे हैं और जो भी विजिटर्स हैं या यहाँ के जो लोकल हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं वो प्रॉपर मास्क में हैं और हर जगह प्रोटोकॉल का केयर किया जा रहा है. अबे मैं देख रहा हूँ नहीं, काफ़ी हद तक लोगों ने मास्क पहना हुआ है और जितने भी पुलिस वाले हैं या जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी को एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कि अपना मास्क पहने. तो कुछ जो टूरिस्ट हैं, पब्लिक है, वो भी अवेयर है, उसका काफ़ी केयर कर रहे हैं इस चीज़ का कि अपना सारे रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं. रिवेंज टूरिज्म, दैट्स हाउ द सेंटर हैज डिस्क्राइब्ड दिस ऑनस्लॉट ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश व्हिच मे पेव द वे फॉर द थर्ड वेव ऑफ कोविड. Around 27,000 vehicles entered Shimla city in the last week between Monday to Sunday. And perhaps the pleas of this 5-year-old boy, now a Himachal police mascot, summarizes the situation. In 8 days of July, more than 11 lakh collected as fine for COVID violations. Nearly 2,000 challans were issued in the state. Daily COVID cases went up from 143 on 1st of July to 172 on 8th of July. Even the state government is now worried. मेरा जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है कि आप हिमाचल आइए, हिमाचल में घूमिए, हिमाचल में आप रहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को जो है उसको फॉलो करो, उसका पालन करो. बट होटल ओनर्स आर ओवरजॉयड. होटेलियर अतुल गौतम, अनेबल टू पे द ईएमआईज ऑन अ बैंक लोन, इज रिलीव्ड. गवर्नमेंट ने जब से बॉर्डर खोले हैं 10-15 दिन से, तो अब उस वजह से बहुत अच्छा फ्लो है टूरिज्म का और वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट शिमला फुल है, हिमाचल भी मेरे हिसाब से फुल होगा, वीकडेज पे थोड़ी ऑक्युपेंसी कम है. दोस विद इवन स्मॉलर डेली इनकम्स आर आल्सो रिलीव्ड. 20 जून के बाद थोड़ा काम खुला हुआ है, टूरिस्ट आ रहा है सर और हमारी रोजी रोटी चल रही है सर. इट्स लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड इन हिमाचल प्रदेश. As COVID restrictions have been lifted, tourists are coming in, so certainly the stagnated businesses have now flourished. But to check the spread of COVID in the region, the responsibility not only lies with the government, but with these tourists who are coming from across the country. With VD Sharma in Shimla, Mohammed Ghazali for NDTV.